हेलो फ्रेंड, मैं कहा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्रांच पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में देखेंगे भारत की प्रमुख जनजातियाँ, यहाँ से बिहार दरोगा में क्वेश्चन बनता है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में तो जानेंगे ही कौन सी जनजाति किस राज्य में निवास करती है, इसके साथ साथ इसकी विवाह पद्धति को जानेंगी, कौन सी विवाह किस जनजाति में की जाती है, और फिर संकट ग्रस्त हो चुकी जनजाति कौन सी है उसे भी जानने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आई होप यह वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। सबसे पहले जो जनजाति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, सर्वाधिक जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, बताइएगा किस राज्य में सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है। तो क्रमशः पांच राज्यों को याद रखिएगा। पहले नंबर पे आता है मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर आता है उड़ीसा, चौथे नंबर पर राजस्थान और पाँचवें नंबर पर गुजरात। ये क्रमशः पाँच राज्य हैं जहाँ सर्वाधिक जनजाति निवास करती है। पहला राज्य मध्य प्रदेश, दूसरा नंबर पर आता है महाराष्ट्र, तीसरा नंबर पर उड़ीसा, चौथे नंबर पर राजस्थान और पांचवें नंबर पर गुजरात आता है। एक क्रम याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है, सर्वाधिक जनजाति भारत में कौन सी निवास करती है, तो आप लोग को पता होगा यह बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, भील जनजाति। पहले नंबर पर भील जनजाति, दूसरे नंबर पर आ जाता है गोंड। क्रमशः पाँच जनजातियों को याद रखिएगा। पहले नंबर पर भील जनजाति, दूसरे नंबर पर गोंड, तीसरे नंबर पर आता है संथाल, चौथे नंबर पर मीना और पाँचवें नंबर पर नायकाड़ा। भील, गोंड, संथाल, मीना और नायकाड़ा जनजाति यह क्रमशः पाँच ऐसे जनजाति हैं जो कि भारत में सर्वाधिक निवास करती है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वही मैंने डाला है कि भारत में सर्वाधिक निवास करने वाली जनजाति कौन सी है, यह है भील जनजाति। उसके बाद एक पॉइंट बनता है कि उत्तर पूर्वी या फिर पूर्वोत्तर भारत कहीं, पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत या फिर हिमालय क्षेत्र में जो जनजाति पाई जाती है यह किस प्रजाति के जनजाति हैं, तो यह हो जाएगा मंगोलियाइड, मंगोलियाइड जनजाति। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। संथाल जनजाति, संथाल जनजाति जो कि राजस्थान सॉरी झारखंड और बिहार वाले क्षेत्र में संथाल जनजाति पाए जाते हैं, एक किनकी प्रजाति है बताइएगा, किनकी प्रजाति है, तो यह है आद ऑस्ट्रेलाइट का, आद ऑस्ट्रेलाइट का। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि संथाल जनजाति मूल निवास कहाँ है, संथाल जनजाति का मूल निवास, तो यह हो जाएगा पूर्वी भारत, पूर्वी भारत। उसके बाद थारू जनजाति, थारू जनजाति जो कि दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं, थारू जनजाति कहाँ निवास करती है, इनका मूल निवास कहाँ है, यह हो जाएगा उत्तराखंड। उसके बाद धौलाधर श्रेणी, धौलाधर श्रेणी में कौन सी जनजाति निवास करती है, यह निवास करती है गद्दी जनजाति जो कि हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं और फिर जम्मू कश्मीर में भी पाए जाते हैं। सर्वाधिक प्राचीन जनजाति कौन सी है, भारत की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति कौन सी है, यह है जारवा जनजाति जो कि अंडमान निकोबार द्वीप पे निवास करती है। क्लियर। हमने क्या क्या बताया, पांच क्रमशः पांच राज्य को मैंने बताया सर्वाधिक जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर उड़ीसा, चौथे नंबर पर राजस्थान और पाँचवें नंबर पर गुजरात। ये हमने बताया सर्वाधिक निवास करने वाली जनजाति। क्लियर। उसके बाद हमने क्या बताया कि कौन सी जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है, तो पहला नंबर पर भील, दूसरे नंबर पर गोंड, तीसरे नंबर पर संथाल, चौथे नंबर पर मीना और पांचवें नंबर पर नायकाड़ा। क्लियर। उसके बाद सर्वाधिक जनजाति भील, उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र में कौन से प्रजाति की जनजाति पाई जाती है, तो मंगोलियाइड। संथाल जनजाति इनकी प्रजाति कौन सा है, तो आद ऑस्ट्रेलाइड। इनका मूल निवास पूर्वी भारत। थारू जनजाति का मूल निवास उत्तराखंड जो कि दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं। उसके बाद धौलाधर श्रेणी में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो यह गद्दी। और सर्वाधिक प्राचीन जनजाति कौन सी है, तो यह जारवा। आई होप इतनी बातें क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, विवाह देखते हैं कौन से विवाह किस जनजाति में की जाती है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो हम लोग को भी आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद विवाह को देखते हैं। हरण विवाह, हरण विवाह किस जनजाति में होती है, हरण विवाह तो यह होती है गोंड जनजाति में, हरण विवाह गोंड जनजाति। उसके बाद है परिविच्छा विवाह, परिविच्छा विवाह कौन से जनजाति में होती है, यह होती है कुकी जनजाति, कुकी जनजाति के लोग परिविच्छा विवाह करते हैं। उसके बाद आता है राजी खुशी विवाह, राजी खुशी विवाह कौन से जनजाति में होती है, तो यह होती है हो जनजाति में, राजी खुशी विवाह हो जनजाति में की जाती है। हो जनजाति आगे हम लोग देखेंगे सर्वाधिक जो पाया जाता है, यह झारखंड वाले क्षेत्र में पाया जाता है, बिहार में भी पाया जाता है, और देखिए कोई भी जनजाति हो जो अगल बगल राज्यों में भी पाया जाता है, ऐसा नहीं है, ये ऑप्शन के अनुसार आप लोग टिक कर सकते हैं। जैसे कि झारखंड में तो हो जनजाति निवास करती हैं, इसके साथ साथ कुछ बिहार में भी पाई जाती है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में भी पाई जाती है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया चुटकुट्टा विवाह, नाम थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, चुटकुट्टा विवाह किस जनजाति में होती है, तो यह होती है थारू जनजाति में, थारू जनजाति में। उसके बाद प्रेत विवाह, प्रेत विवाह होती है न्यूर जनजाति में। सेवा विवाह या खासी और थारू जनजाति दोनों में सेवा विवाह किया जाता है। उसके बाद दूध लौटावा विवाह, दूध लौटावा विवाह यह किस जनजाति में की जाती है, तो यह गोंड जनजाति में की जाती है। एक बार फिर से देखिएगा, हरण विवाह यह गोंड जनजाति, परिविच्छा विवाह कुकी जनजाति में होती है, राजी खुशी विवाह यह हो जनजाति के लोग करते हैं, चुटकुट्टा विवाह या थारू जनजाति के लोग, प्रेत विवाह न्यूर जनजाति, सेवा विवाह खासी और थारू
के लोग जो है सुबह विवाह करते हैं, उसके बाद दूध लौटावा विवाह या गोंड जनजाति के लोग करते हैं। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैंने डाला है संकट ग्रस्त जनजाति, कौन कौन से जनजाति है जो संकट ग्रस्त हो चुकी है उसे हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेपचा, लेपचा जो जनजाति है यह सिक्किम में निवास करती है, यह संकट ग्रस्त हो चुकी जनजाति है। क्लियर। लेपचा जनजाति कहाँ पाई जाती है, यह सिक्किम में पाई जाती है जो कि संकट ग्रस्त जनजाति है। उसके बाद राजी जनजाति, राजी जनजाति उत्तराखंड में निवास करती है, यह भी संकट ग्रस्त जनजाति है। उसके बाद ओंगे, जारवा और सोमपेन, ओंगे, जारवा और सोमपेन। जारवा जनजाति के बारे में हमने बताया था कि सर्वाधिक प्राचीन जनजाति कौन सी है, यह जारवा जनजाति है। ओंगे, जारवा और सोमपिन ये अंडमान निकोबार द्वीप पर निवास करती है और ये भी संकट ग्रस्त हो चुकी जनजाति है। क्लियर। उसके बाद है कवरढा, कवरढा जो जनजाति है यह निवास करती है छत्तीसगढ़ में। कवरढा जनजाति कहाँ निवास करती है, छत्तीसगढ़ में, यह भी संकट ग्रस्त हो चुकी जनजाति है। उसके बाद कोटा, टोंडा और उराली, कोटा, टोंडा और उराली जनजाति यह तमिलनाडु में निवास करती है और ये भी संकट ग्रस्त जनजाति है। लास्ट में खास तरीके से मैं रिवीजन करवा दूंगी, लास्ट तक बने रहेंगे। लेपचा सिक्किम, राजी उत्तराखंड, ओंगो, जारवा, सोमपिन, अंडमान निकोबार, कवरढा छत्तीसगढ़, कोटा, टोडा, अराली जनजाति तमिलनाडु और ये सब जो है जनजाति यह संकट ग्रस्त हो चुकी जनजाति है। आई होप इतनी बातें क्लियर हो चुकी होगी। अब हम लोग चलते हैं मैप पे, कौन सी जनजाति किस राज्य में निवास करती है उसे हम लोग देखेंगे। यहाँ से बिहार दरोगा में क्वेश्चन बनता है। जम्मू कश्मीर, सबसे पहले उत्तरी भारत को ही देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी जनजाति निवास करती है, गौर करिएगा। बकरवाल जनजाति, बकरवाल जनजाति कहाँ निवास करती है, तो जम्मू कश्मीर में। उसके बाद गुज्जर, गुज्जर जनजाति जम्मू कश्मीर में। देखिए कोई भी जनजाति है अगल बगल वाले राज्यों में भी पाया जाता है। गुज्जर जनजाति कुछ पंजाब में भी पाया जाता है, हरियाणा वाले क्षेत्र में भी पाया जाता है और हिमाचल प्रदेश में भी गुज्जर निवास करते हैं। तो सर्वाधिक जो गुज्जर निवास करते हैं यह जम्मू कश्मीर में। उसके बाद मौन, चांगपा और बाल्टी, बकरवाल, गुज्जर, मौन, चांगपा और बाल्टी जनजाति कहाँ निवास करती है, यह निवास करती है जम्मू कश्मीर में। एक बार फिर से सुनिएगा, बकरवाल, गुज्जर, मौन, चांगपा, बाल्टी यह जनजाति निवास करती है जम्मू कश्मीर में। और हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में गद्दी निवास करती है, गद्दी जनजाति कहाँ, हिमाचल प्रदेश, किन्नौर, जात, पंगवाली और स्वांगला। एक बार फिर से, गद्दी, किन्नौर जनजाति, जात जनजाति, पंगवाली जनजाति, स्वांगला जनजाति कहाँ निवास करती है, तो हिमाचल प्रदेश में। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन कौन से जनजाति निवास करती है, गौर करिएगा। जौनसारी जनजाति, जौनसारी जनजाति उत्तराखंड, बुक्सा जनजाति यह भी उत्तराखंड, भोटिया जनजाति। देखिए भोटिया और भूटिया में अंतर है। भोटिया जो पाया जाता है यह उत्तराखंड में पाया जाता है और उत्तर प्रदेश में भी कुछ मात्रा में पाया जाता है। अगर बात की जाए भूटिया का, तो भूटिया निवास करती है सिक्किम में। भोटिया उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में, वही भूटिया निवास करती है कहाँ, सिक्किम में। कन्फ्यूजन नहीं करिएगा। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में आते हैं। हमने क्या क्या देखा एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। जम्मू कश्मीर में बकरवाल, गुज्जर, मौन, चांगपा, बाल्टी जनजाति। हिमाचल प्रदेश में गद्दी, किन्नौर, जाद, पंगवाली और स्वांगला जनजाति। उसके बाद उत्तराखंड में हमने देखा जौनसारी, बुक्सा और भोटिया जनजाति। उत्तर प्रदेश में आते हैं, उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति निवास करती है, अगारिया, बुक्सा और बैगा। थारू, अगारिया, बुक्सा और बैरा जनजाति कहाँ निवास करती है, तो उत्तर प्रदेश में निवास करती है। थारू जनजाति का मूल निवास कहाँ है, तो उत्तराखंड है, जो कि दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं अपने बिहार में। बिहार में जो जनजाति पाई जाती है वो झारखंड में ही पाई जाती है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि बिहार से ही झारखंड अलग हुआ है 15 नवंबर 2000 को। इसलिए तो बिहार में जो जनजाति पाई जाएगी कुछ मात्रा में झारखंड में भी और पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिलेगा। चलिए बिहार को देखते हैं कौन कौन सी जनजाति है, तो बैगा जनजाति है, असुर जनजाति, बैगा जनजाति, असुर जनजाति, खोंड जनजाति, गिरहोर जनजाति, बेदिया, उराव, यह सब बिहार की जनजाति है। क्लियर। एक बार फिर से सुनिएगा, बैगा, असुर, खोंड, गिरहोर, बेदिया, उराव और संथाल भी पाए जाते हैं, हो जनजाति ही पाई जाती है, यह सब निवास करती है बिहार और झारखंड वाले क्षेत्र में। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं झारखंड लगे हाथ ही, क्योंकि बिहार से ही अलग हुआ है झारखंड, तो संथाल जनजाति यह कहाँ पाई जाती है, तो झारखंड में पाई जाती है। मुंडा जनजाति यह भी झारखंड में। उसके बाद हो जनजाति, कोरवा, खरिया, माल पहाड़िया, असुर जनजाति यह सॉरी झारखंड में पाई जाती है। संथाल, मुंडा, हो, कोरवा, खरिया, माल पहाड़िया और असुर जनजाति झारखंड में पाई जाती है। उसके बाद आ जाते हैं पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में भूमि जनजाति, असुर, देखिए अभी असुर हमने क्या क्या कहाँ कहाँ बताया, तो असुर बिहार में पाई जाती है, झारखंड में ही पाई जाती है और पश्चिम बंगाल में ही पाई जाती है।
तो असुर जनजाति और हो जनजाति भी पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, कोरा जनजाति, ओराव जनजाति, यह सब पश्चिम बंगाल में। ये सबको ऑप्शन के अनुसार आप लोग टिक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं सिक्किम में। सिक्किम में पाई जाती है लेपचा और भूटिया। लेपचा जनजाति जो कि संकटग्रस्त हो चुकी जनजाति है, और भूटिया जनजाति कहाँ निवास करती है, यह सिक्किम में निवास करती है। क्लियर। अब आगे आता है असम। असम में कौन कौन सा निवास करता है जनजाति, यहाँ पे मैंने डाला इसे चकमा जनजाति, डिमासा जनजाति, सिथेंग जनजाति, लालुंग और हाजेंग। चकमा, डिमासा, सिथेंग, लालुंग और हाजेंग जनजाति कहाँ पाई जाती है, ये असम में पाई जाती है। उसके बाद आ जाता है असम के बाद अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से जनजाति है, तो आपतानी जनजाति है, डफला जनजाति है, मिशमी, अबोर और सिंगफो। आपतानी, डफला, मिशमी, अबोर और सिंगफो जनजाति कहाँ निवास करती है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में। अब आगे चलते हैं, अरुणाचल प्रदेश के नीचे ही है नागालैंड। नागालैंड में कौन कौन सी जनजाति है, देखिएगा नागा है, नागा जनजाति, नागालैंड, ये तो ईजी है। उसके बाद कोन्याक, कोन्याक जनजाति कहाँ पाई जाती है, नागालैंड में। सेमा जनजाति, कचारी जनजाति, मिकिर जनजाति, अगामी जनजाति और गारो। देखिए गारो भी नागालैंड में पाई जाती है। ऐसे अगर बात की जाए गारो खासी जयंतिया या मेघालय में पाई जाती है, लेकिन कुछ जो जनजाति है गारो की यह पाई जाती है नागालैंड में। एक बार फिर से देखिएगा, नागा जनजाति, कोन्याक जनजाति, शेमा जनजाति, कचारी जनजाति, मिकिर जनजाति, अगामी जनजाति और गारो जनजाति कहाँ पाई जाती है, यह नागालैंड में पाई जाती है। एक बार दो बार इसको रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नागालैंड के नीचे ही है मणिपुर। मणिपुर में कौन कौन सी जनजाति है, तो अंगामी जनजाति यहाँ भी पाई जाती है, नागालैंड में भी अंगामी पाई जाती है। और आगे बढ़ते हैं, कोम जनजाति, माओ, मारी, तारो और मैकी जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो यह मणिपुर में। मैंने एनसीईआरटी से ही इसे लाया है। आगामी जनजाति कोम, माओ, मारिंग, तारो और मैकी, यह सब जनजाति पाई जाती है मणिपुर में। ऐसे तो जनजाति बहुत सारी हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी में बुक में दिया गया था वही जनजाति को मैंने लाया है। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं मेघालय की ओर। तो मेघालय में कौन कौन सी जनजाति, तो गारो, खासी, जयंतिया, ये तो याद ही होगा, गारो, खासी, जयंतिया, ये पहाड़ का भी नाम है, जनजाति के नाम, जनजाति के नाम होने के कारण ही, निवास करने के कारण ही पहाड़ को भी नाम यही दे दिया गया है, गारो, खासी, जयंतिया। मिकिर, हमार, लाखिर और सितेंग जनजाति यह मेघालय पाई जाती है। गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, हमार, लाखिर और सितेंग जनजाति मेघालय में निवास करती है। उसके बाद हम लोग चलते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा, त्रिपुरा को यहाँ पे हमने डाला है। त्रिपुरा में मोंग जनजाति, रियांग, हलाम, लुसाई, उचाई और जमातिया। एक बार फिर से, मोंग जनजाति, रियांग जनजाति, हलाम जनजाति, लुसाई जनजाति, ऊंचाई जनजाति और जमातिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, यह पाई जाती है कहाँ, त्रिपुरा में। क्लियर। अब यहाँ पे दो राज, तीन राज यहाँ पे रह चुका है। दक्षिण भारत के राज्यों को हमने नहीं डाला है क्योंकि एक बार में नहीं आ पाया। अब आते हैं पंजाब। पंजाब में एक जनजाति है सांसी जनजाति। सांसी जनजाति कहाँ निवास करती है, तो पंजाब में। हरियाणा में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं राजस्थान में। राजस्थान में भील जनजाति, देखिए भील जनजाति, भील जनजाति राजस्थान में भी निवास करती है, गुजरात में भी निवास करती है और मध्य प्रदेश में भी निवास करती है। तो भील जनजाति, मीना जनजाति, ग्रासिया, बंजारा, बावड़े, भेटेलिया, यह सब कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान। एक बार फिर से, भील जनजाति, मीना, ग्रासिया, बंजारा, बांगड़े और भटेलिया, यह निवास कहाँ करती है, तो राजस्थान में निवास करती है। हालांकि बंजारा और भील जो है गुजरात में भी निवास करती है। बरदा, ये जो भील जनजाति सर्वाधिक कहाँ निवास करती है, तो भील जनजाति सर्वाधिक गुजरात में निवास करती है, सर्वाधिक गुजरात में निवास करती है। तो भील जनजाति गुजरात में पाया जाता है, बंजारा भी पाया जाता है। बरदा जनजाति बारगी, खारी, धोड़िया, कोकना, कोली, पटेलिया, कोमला और चारण जनजाति, यह सब गुजरात में पाया जाता है। एक बार फिर से, भील जनजाति, बंजारा जनजाति, बरदा, बारली, खारी, थोड़िया, चारण, कोकना, कोली, पटेलिया और कोमला जनजाति कहाँ पाया जाता है, यह गुजरात में पाया जाता है। और भी राज्य हैं जैसे कि मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यह सब राज्य भी रह चुके हैं और दक्षिण भारत के राज्य भी रह चुके हैं, उसे भी मैं अभी एडजस्ट करवाऊंगी। अभी इसे मैं क्लीन करके फिर से मैं उसे डालने का प्रयास करूंगी। चलिए, आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा आप लोगों को और आगे बने रहिएगा। अभी इसे मैं मिटा देती हूँ, उसके बाद दक्षिण भारत के राज्यों को और फिर मध्य प्रदेश, उड़ीसा के राज्यों को जनजाति को लिखती हूँ मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दक्षिण भारत के राज्यों के जनजाति को देखेंगे। इसके साथ साथ जनजातियों के शोषण के बचाव हेतु कुछ अधिनियम लाए गए थे, उस अधिनियम को भी जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश से देखते हैं। मध्य प्रदेश में कौन कौन से जनजाति निवास करते हैं, तो देख सकते हैं भील जनजाति। आगे हमने बात किया कि भील जनजाति जो है राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, इसके साथ साथ महाराष्ट्र में ही निवास करती है। क्लियर। भील जनजाति कहाँ कहाँ, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, चारों राज्यों में निवास करती है। अगरिया जनजाति, कोल जनजाति,
कारकू जनजाति, बौगा जनजाति और गोंड जनजाति कहाँ निवास करती है? ये निवास करती है मध्य प्रदेश में। भील जनजाति, अगारिया, कोल, कारकू, बौगा और गोंड जनजाति कहाँ निवास करती है? मध्य प्रदेश में। अब उड़ीसा को देख लीजिए, उड़ीसा में कौन कौन से जनजाति है? तो बगता जनजाति, भूमि जनजाति, खोंड जनजाति, गांडिया जनजाति, कोल जनजाति और कोरा जनजाति उड़ीसा में। एक बार फिर से, बगता जनजाति, भूमि जनजाति, खोंड जनजाति, गांडिया, कोल और कोरा जनजाति कहाँ निवास करती है? यह उड़ीसा में निवास करती है। एक बार इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग लूसेंट का जाकर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील करने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में चेचू जनजाति, लबांडा, यानाडी, यालिस, बगाता और धुलिया जनजाति। चेचू जनजाति आंध्र प्रदेश, लबांडा जनजाति आंध्र प्रदेश, यानाडी जनजाति आंध्र प्रदेश, यालिस जनजाति यह भी आंध्र प्रदेश में, बगाता जनजाति आंध्र प्रदेश, धुलिया जनजाति यह भी कहाँ निवास करती है? आंध्र प्रदेश में। क्लियर। उसके बाद आ जाते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में है टोडा जनजाति, जो कि बहुविवाह के लिए प्रसिद्ध है, जो कि कहाँ पाई जाती है? तो नीलगिरी के पहाड़ियों पर निवास करती है। उसके बाद कुरुम्बा जनजाति, कुरुम्बा जनजाति हालांकि तमिलनाडु में ही पाई जाती है, केरल में ही पाई जाती है। उसके बाद कोटा जनजाति, इरोला जनजाति और बड़गा जनजाति यह कहाँ निवास करती है? तमिलनाडु में। ये जो जनजाति है कुछ मात्रा में केरल में भी निवास करती है। कौन कौन सा हमने देखा? टोडा, कुरुम्बा, कोटा, इरोला और बड़गा जनजाति तमिलनाडु। कुरुम्बा जनजाति केरल में भी निवास करती है। उसके बाद कर्नाटक। कर्नाटक में कौन कौन सी जनजाति है? यहाँ पे देख लीजिए, वर्धा जनजाति, चेचू जनजाति, मलासार, मालेरू, टोडा जनजाति। देखिए टोडा जनजाति केरल में ही पाई जाती है, तमिलनाडु में भी और कर्नाटक में भी। सोलगा जनजाति, राठावा जनजाति, पनियन जनजाति, कोदागू जनजाति ये सब कर्नाटक में पाई जाती है। वर्धा, चेंचू, मालासार, मालेरू, टोडा, सोलगा, राठावा, पनियन और कोदागू जनजाति कहाँ पाई जाती है? यह कर्नाटक में। उसके बाद आ जाता है गोवा। गोवा में है धोड़िया जनजाति और वर्ली जनजाति। धोड़िया जनजाति और वर्ली जनजाति गोवा में निवास करती है। उसके बाद महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में वर्धा, बाबचा, भूंजिया, बिरहुल, धनवार, धोड़िया, थोटी, भील, कोल और वर्ली महाराष्ट्र में निवास करती है। एक बार फिर से, वर्धा, बाबचा, भूंजिया, बिरहुल, धनवार, धोड़िया, थोटी, भील, कोल और वर्ली कहाँ निवास करती है? महाराष्ट्र में। साथ साथ रिकॉल भी करते चलेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। चलिए हम लोग क्लियर कर लिए इन राज्यों की जनजाति को। उसके बाद चलते हैं दमन और दीव, जो कि केंद्रशासित प्रदेश है। दमन और दीव में पाई जाती है धोड़िया जनजाति, सिद्धी जनजाति, वर्ली जनजाति और दुबला जनजाति। धोड़िया, सिद्धी, वर्ली और दुबला जनजाति कहाँ निवास करती है? तो निवास करती है दमन व दीव वाले क्षेत्र में। उसके बाद दादरा व नगर हवेली। दादरा व नगर हवेली में भी वर्ली जनजाति निवास करती है। कथोड़ी, कोकना और नायकाड़ा जनजाति, जिसे नायका जनजाति भी कहा जाता है, कहाँ निवास करती है? तो दादरा व नगर हवेली में। मालसिस जनजाति लक्षद्वीप पे निवास करती है। लक्षद्वीप जो कि प्रवाल से निर्मित द्वीप है, टोटल इसमें 36 द्वीपों की संख्या है। अब यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा, दिल्ली, पुदुचेरी, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब। पंजाब में एक जनजाति हमने बताया था सांसी जनजाति, लेकिन कुछ मात्रा में पाया जाता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि दिल्ली, पुदुचेरी, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब वाले क्षेत्र में एक भी जनजाति निवास नहीं करती है। यहाँ जनजाति निवास नहीं करती है, हालांकि हमने आगे देखा था कि पंजाब में सांसी जनजाति निवास करती है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं, कुछ नोट डाउन हमें दिया है यहाँ पर देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दिया गया है सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति जो है यह मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों जगह निवास करती है, सहरिया जनजाति। उसके बाद आता है कौन सी ऐसी जनजाति है जो कि ऋतु प्रवास करती है, आमी ऋतु के अनुसार एक जगह से दूसरे स्थान को चली जाती है। यह जनजाति है भूटिया जनजाति। एक हमने बताया था भूटिया जनजाति, जो कि उत्तराखंड यूपी वाले क्षेत्र में पाया जाता है। यह है भूटिया जनजाति, जो कि सिक्किम में पाया जाता है, जो कि ऋतु प्रवास के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद आता है झूम कृषि। झूम कृषि कौन करते हैं? यह करते हैं खासी जनजाति। खासी जनजाति के लोग झूम कृषि करते हैं। उसके बाद अपोर तिपी और अंडी विवाह। अपोर तिपी और अंडी विवाह, यह जो विवाह है यह हो जनजाति में की जाती है। ये छूट गया था उस टाइम, इसलिए मैंने इसे भी डाल दिया। अपोर तिपी जनजाति, अंडी विवाह यह किस जनजाति में होता है? हो जनजाति, जो कि झारखंड वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, बिहार वाले में भी पाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाला है उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है जौनसारी जनजाति। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति जौनसारी जनजाति। उसके बाद है टोडा जनजाति। टोडा जनजाति जो है यह बहुविवाह प्रथा के लिए प्रसिद्ध है, मतलब बहुविवाह के लिए प्रसिद्ध है टोडा जनजाति, मतलब एक से कई ज़्यादा विवाह करते हैं। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? नीलगिरी के पास निवास करती है, नीलगिरी के पहाड़ों के पास निवास करती है। नीलगिरी पर्वत जो कि इसकी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? यह है दोदाबेटा। उसके बाद आता है बोडो जनजाति। बोडो जनजाति जो है गारो पहाड़ी पर निवास करती है। बोडो जनजाति कहाँ निवास करती है? गारो पहाड़ी, जो कि कहाँ है? यह है मेघालय में। उसके बाद आता है वर्तमान में 75 जनजाति को, वर्तमान भारत में 75 जनजाति को
पीवीजी का दर्जा प्राप्त किया गया है। पीवीजी क्या होता है, वर्क करेगा पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप से, ए 75 जनजाति को पीवीजी का दर्जा प्राप्त किया गया है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे डाला है संयुक्त परिवार प्रथा। संयुक्त परिवार प्रथा किस जनजाति में है, तो यह है थारू जनजाति, आई मीन एक साथ परिवार एक साथ रहते हैं किस जनजाति में, तो थारू जनजाति में। उसके बाद है गिरिजन, पहले गिरिजन कहा जाता था, अनुसूचित जाति को पहले क्या कहा जाता था, गिरिजन कहा जाता था। गिरिजन नाम को हटा करके महात्मा गांधी ने नाम क्या दिया था, हरिजन नाम दिया था। क्लियर। हरिजन नाम किसने दिया है गिरिजन नाम के जगह पे, तो यह दिया है महात्मा गांधी ने। उसके बाद आता है कि सबसे पहले अनुसूचित जाति का प्रयोग किसने किया था, सबसे पहले अनुसूचित जाति का प्रयोग भारत में किसने किया था, तो साइमन कमीशन के लोगों ने, साइमन कमीशन लोगों ने सबसे पहले अनुसूचित जाति का प्रयोग किया था। उसके बाद आता है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लाया गया, 1955 ईस्वी में, इसे संशोधित किया गया था 1976 ईस्वी में। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और इसे संशोधित किया गया 1976 ईस्वी में। ये सब जनजातियों के शोषण से बचाव के लिए कुछ अधिनियम लाया गया था, वही सब अधिनियम है। उसके बाद है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब लाया गया, तो 1989 को लाया गया, 1989 को लाया गया। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब लाया गया है, 1989 को लाया गया। उसके बाद है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लाया गया, 1948 में। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लाया गया है, 1948 में। उसके बाद है बाधित श्रम पद्धति उत्पाद अधिनियम, बाधित श्रम पद्धति उत्पादन अधिनियम 1976 में लाया गया। उसके बाद बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 को लाया गया है। आई होप क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग देखते हैं, एक बार फिर से इसे देख लेते हैं। शहरीय जनजाति मध्य प्रदेश राज्य था, ऋतु प्रवास वाली जनजाति भूटिया, झूम कृषि करती है खासी जनजाति, अपोर तेपी और अंडी विवाह होता है हो जनजाति के, हो जनजाति में अपोर तेपी और अंडी विवाह होता है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति जौनसारी, टोडा जनजाति नीलगिरी पर्वत में निवास करती है, बोडो जनजाति गारो पहाड़ी पर। वर्तमान में 75 अनुसूचित जाति को पीवीजी का दर्जा प्राप्त दर्जा प्राप्त किया गया है। संयुक्त परिवार प्रथा जो चालू है यह थारू जनजाति में। गिरिजन गिरिजन जो शब्द था अनुसूचित जाति के लिए, इसका नाम चेंज करके हरिजन किसने दिया, तो महात्मा गांधी ने। इसके बाद है अनुसूचित जाति का प्रयोग किसने किया है सबसे पहले भारत में, तो साइमन कमीशन ने। जनजाति जनजाति को आदिवासी शब्द किसने दिया, जनजाति को आदिवासी शब्द किसने दिया, तो ठक्कर बापा जो कि आदिवासी का पितामह कहलाते हैं। उसके बाद सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लाया गया, 1955 में, संशोधित किया गया 1976 में। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को लाया गया। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, बाधित श्रम पद्धति उत्पादन अधिनियम 1976 और बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। एक दो बार आप लोग रिकॉल करिएगा, रिविजन करिएगा, इसका प्रैक्टिस सेट लगाइएगा लूसेंट से जाकर के, तो आप लोग आसानी तरह से याद हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें और इसे शेयर भी क्या करें। एनसीईआरटी के लिए हमारा जो चैनल है स्टडी कैप, उसे भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम चैनल से अगर जुड़ना चाहते हैं, पीडीएफ अगर प्राप्त करना चाहते हैं, बिहार पुलिस का अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन ब्रांच बाइकाल शर्मा, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से आप लोग को धन्यवाद।